प्रदेश सरकार चाहे सरकारी स्कूल को बेहतर बनाने के लिए कितने ही दावे क्यों ना करे, लेकिन हकीकत देखकर आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि आखिर मामला क्या है। बच्चों की पढ़ाई के लिए छत मुहैया हो, सभी कक्षाएं सही ढंग से चल सकें, इसलिए स्कूल भवन बनाए जाते हैं। लेकिन जब इन्हीं भवनों के क्लासरूम में कंडे भरे हों, भूसा भरा हो, तब आप क्या कहेंगे? ये तस्वीरें हैं टीकमगढ़ विकासखंड के बड़ा गांव धसान तहसील के मगरा ग्राम के शासकीय प्राथमिक विद्यालय की, जहां शिक्षा गारंटी शाला में बनाई गई कक्षाओं का नजारा देखिए। जहां कक्षाओं में बच्चों की जगह गाय बैठी हुई है और चारों तरफ गाय का गोबर डला हुआ है और गंदगी फैली हुई है। साथ में कमरों की तरफ देखें तो कमरों में भूसा भरा हुआ दिखाई दे रहा है। स्कूल की कक्षाओं में भूसा भरे होने की बात जब जिला प्रभारी सीईओ और प्रभारी कलेक्टर एसके अहरवार से की तो उन्होंने जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही। आपके द्वारा ये बताया गया कि मोखरा गांव में सरकारी बिल्डिंग में या स्कूल में भूसा भरा हुआ है, इस संबंध में आपसे जो जानकारी मिली, मैं इसकी जांच कराऊंगा। जांच कराने के बाद उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई कराऊंगा। इस संबंध में अभी जानकारी लगी है तो हमने टीकमगढ़ बीआरसी को बोला है कि तत्काल जांच करें और संबंधित हेडमास्टर, शिक्षक या जो भी इससे इन्वॉल्व है इस चीज में, उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर जिले के पलेरा विकास खंड के ग्राम गुड़ा में शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल का भी यही हाल है। और जब इस संबंध में हमने पलेरा संकुल के प्राचार्य से बात की तो उन्होंने बताया कि स्कूल के टीचर द्वारा इसकी मौखिक शिकायत की गई थी। हमारे यहाँ आवेदन लिया था कि कुछ लोग जबरदस्ती कमरों में भूसा भर रहे हैं। उस आवेदन के परिप्रेक्ष्य में हमने तत्काल एक मैंने आवेदन दिया तहसीलदार साहब को, मौखिक चर्चा की तो उन्होंने कहा कि मैं दिखवाई लेता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके पश्चात ना मेरे पास कोई सूचना आई है कि नहीं हुआ है या वो भूसा खाली हुआ है या नहीं हुआ है या गंदगी पड़ी है, ऐसा तो ना मुझे कोई आवेदन दिया गया है और ना बताया। इसके पहले जब मैंने स्कूल चेक किया था तो स्कूल विधिवत संचालित था। वर्तमान में छुट्टियां होने के कारण मैं नहीं गया वहाँ पे। अभी गुड़ापाल पलेरा के मामले में भी संबंधित बीआरसी को जांच के लिए भेजा है। जैसे ही उनका जांच प्रतिवेदन आता है हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाँ हाँ, उसकी भी जाँच कराऊंगा और भी जैसे होंगे, मैं सभी में कॉमन आदेश जारी करूंगा और जहाँ जहाँ ऐसी स्थिति होगी तो सभी की पहले तो उनके अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होगी और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी प्रस्तावित करें। टीकमगढ़ से सुधीर जैन, सागर टीवी न्यूज़।